रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा होता है जहां इंग्लिश का पेपर होता है। आरसी की सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है उसमें अननोन वर्ड्स का होना, उन वर्ड्स का होना जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, क्योंकि उस वजह से आपको लाइन का मीनिंग समझ नहीं आता, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी हद तक आप अगर स्मार्ट वर्क अप्लाई करें तो आप अननोन वर्ड्स वाले आरसी भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी आज के वीडियो में एक छोटे से एग्जाम्पल से, ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। सो बी विथ मी, माय नेम इज त्रिलेखा। आई मेक वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वर्क फ्रॉम होम आइडियाज, पेरेंटिंग टिप्स एंड लॉट मोर, एंड यू वॉचिंग माई चैनल लॉट टू लर्न। Before I jump to reading comprehension, let me talk about few things that you do wrong and that's why you feel RC is scary. जब आप reading comprehension पढ़ते हो तो कई बार टॉपिक आपके इंटरेस्ट का नहीं होता, और ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि जब कोई चीज हमारे इंटरेस्ट की नहीं होती तो हम उसमें एक्टिवली एंगेज नहीं हो पाते। सबसे बड़ा रीजन आपके आरसी समझ में ना आने का ये है कि आप उसे एक्टिवली नहीं पढ़ते। तो जब भी आप आरसी पढ़ें, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपके इंटरेस्ट की बात जरूरी नहीं है, यहाँ आपके लिए मार्क्स जरूरी हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, तो ये तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी आरसी एग्जाम में आए उसमें जो वर्ड्स हैं उसके सबके मीनिंग आपको पता हो। तब काम आता है स्मार्ट वर्क, और वो कैसे करना है ये हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में। तो ये मेरा एक पैसेज मैंने लिया है जो है जिसका डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ कोई मैजिक ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी। तो जो भी कोई ऐसा है यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक चाह रहा है, मैजिक ट्रिक चाह रहा है, वो उसके लिए ये वीडियो नहीं है, आई एम सॉरी, बिकॉज मैं यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ और मैं बताऊंगी आप कैसे अपना कॉमन सेंस कर सके इस पैसेज को सॉल्व करते वक्त, साथ ही साथ बीच बीच में टिप्स भी देती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, सबसे पहली टिप ये है कि जब भी आपके सामने कोई भी पैसेज आता है तो एक बार आपको जाकर पहले क्वेश्चन पे एक नजर डालनी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इन व्यू ऑफ राइटर, सेकंड क्वेश्चन है एज पर द पैसेज, थर्ड है अकॉर्डिंग टू द राइटर, एंड फोर्थ है गिव द सुटेबल सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इसे हमें ये समझ आ रहा है इन चारों क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यही इसी बात पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि इस पूरे पैसेज का मीनिंग क्या है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, या इससे इस पैसेज का थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज दिमाग में रखनी है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्लोली स्लोली समझाऊंगी कि कैसे आप इस पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा फोकस रोके ध्यान से देखिए। केयर शुड बी टेकन व्हेन सबमिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स टू बुक पब्लिशर। वी विल गो स्लोली, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेंगे आप। पहली लाइन में एक ये वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट, ओके, हो सकता है कुछ लोगों को इसका मीनिंग ना पता हो। जो जो वर्ड यहाँ डिफिकल्ट होंगे मैं उनको अंडरलाइन करते जाऊंगी, मैं अभी पैसेज के समय उसका मीनिंग बताऊंगी, एंड में मैं आपको मीनिंग बता दूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट कि पूरी कोशिश में ये करूंगी कि बिना मीनिंग के आप इसे सॉल्व कर पाए, ओके। केयर शुड बी टेकन व्हेन सबमिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स टू बुक पब्लिशर। अभी एक चीज यहाँ पर बड़ी साफ है कि यहाँ बुक पब्लिशर यानी जो बुक पब्लिश करते हैं उनके बारे में बात हो रही है, और क्या सबमिट करना है, मेन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब हम बुक पब्लिशर को मेन्यूस्क्रिप्ट दें। बड़ा ही कॉमन सेंस वाली चीज है ये कि अगर आप बुक पब्लिशर के पास जा रहे हैं स्क्रिप्ट लेके, इसका मतलब है वो बुक की ही स्क्रिप्ट होगी, राइट? कोई आर्टिकल या कोई बुक होगा जो आप पब्लिश कराना चाहते हैं। तो हम ये मानते हैं अभी कि यहाँ पर मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है बुक की स्क्रिप्ट, ओके? जितने भी राइटर्स बुक्स लिखते हैं वो पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर वो पब्लिशर्स को दिखाते हैं, उसके बाद उसका पब्लिकेशन होता है। नेक्स्ट लाइन, अ सुटेबल पब्लिशर शुड बी चोजन बाय स्टडी ऑफ हिज लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन। पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर आपने जल्दी जल्दी पूरा पढ़ने क्योंकि अगर आपने फास्टली कोशिश की पूरे पैसेज को पढ़ने की,
तब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप को कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ये क्या है. ओके तो हम एक एक लाइन पढ़. अ सुटेबल पब्लिशर शुड बी चोजन बाय स्टडी ऑफ हिज पब्लिकेशन. इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा ठीक ठाक सा पब्लिशर चूज करना चाहिए. कैसे चूज करना चाहिए? जो भी उसने पब्लिश किया है आज तक, उसकी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन जो भी है वो स्टडी, यानी कि उस पे एक नजर डाल के, उसे देख के, उसे समझ के किसने क्या पब्लिश किया. ठीक है. और एन एग्जामिनेशन इन द बुक शॉप ऑफ द टाइप ऑफ बुक्स इन विच ही स्पेशलाइजेस. और एन एग्जामिनेशन इन द बुक शॉप ऑफ द टाइप ऑफ बुक्स इन विच ही स्पेशलाइजेस. का मतलब एग्जामिनेशन भी क्या हुआ कि हम किसी बुक शॉप में जाएंगे और जिस तरह की बुक्स वो पब्लिशर पब्लिश करता है, हम उन बुक्स को देखेंगे कि किस तरह की बुक्स पब्लिश कर रहा है. ओके. अनदर लाइन सेज, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू सेंड द टाइप स्क्रिप्ट. नाउ सी अगेन दे हैव यूज्ड अ न्यू वर्ड हियर, टाइप स्क्रिप्ट. अभी मेन्यू स्क्रिप्ट था, अब टाइप स्क्रिप्ट आ गया. तो हम सिंपली अभी अंडरलाइन करते चल रहे हैं. ठीक है. इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू सेंड टाइप स्क्रिप्ट ऑफ अ नॉवल टू पब्लिशर. ये तो क्लियर हो गया कि ये टाइप स्क्रिप्ट नॉवल की है. तो हो सकता है ये मेन्यूस्क्रिप्ट जैसी ही कोई चीज हो, या हो सकता है सिमिलर हो, हम अज्यूम करके चल रहे हैं. ठीक है. तो ये टाइम वेस्ट करने की बात है और पैसे वेस्ट करने की बात है अपने नॉवल के स्क्रिप्ट ऐसे पब्लिशर को भेजना आगे हु पब्लिशेस नो फिक्शन. अब ये फिक्शन आप में से कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है. और पोएट्री टू वन हु पब्लिशेस नो वर्स तो ऑल टू ऑफन दिस डन. ये जो पूरी लाइन है, हो सकता है ये आपके पूरा ऊपर से चली जाए. ओके okay, आपको समझ ही ना आए इसका मीनिंग. तो इस तरह की लाइन्स को आपको कैसे समझना है, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश की, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है तो आप समझते होंगे कि टू को हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. हम कहते हैं ही इज यंगर टू मी, ही इज एल्डर टू मी. ओके. और ही इज या यंगर टू मी एंड एल्डर टू मी, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव एज नाउ. तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं टू को यूज करके. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहे हैं ये, हु पब्लिशेस नो फिक्शन और पोएट्री टू वन हु पब्लिशेस नो वर्स. सिर्फ यहां तक ध्यान देंगे. हु पब्लिशेस नो फिक्शन और नो पोएट्री. फिक्शन का मीनिंग तो आपको नहीं पता, पर पोएट्री का मीनिंग तो आई एम श्योर आपको पता होगा. तो ऐसे राइटर को स्क्रिप्ट भेजना पैसे और समय की बर्बादी है, जो ना तो फिक्शन पब्लिश करता है ना पोएट्री, यानी कि ना कविता. टू वन हु पब्लिशेस नो वर्स. ठीक है. यानी किसके कंपैरिजन में, जो कि कोई वर्स पब्लिश नहीं करता. अब वर्स क्या है नहीं पता हमें, छोड़ देते हैं इसको. ठीक है. तो मैं सर्कल करती हूँ. आई विल टेल यू द मीनिंग. मुझे, मैं आपको बताऊंगी सारे मीनिंग. अभी हम ये मान के चलेंगे कि नहीं पता. तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि हाँ, कोई ऐसा राइट, कोई ऐसा पब्लिशर है जिसको हम, जो पोएट्री नहीं पब्लिश करता, उसको समय, उसमें समय और पैसे बर्बाद करने से ज्यादा ठीक है उसको भेजना जो कि वर्स नहीं पब्लिश करता. तो ऑल टू ऑफन दिस इज डन. तो यानी कि हालांकि, ऑल टू ऑफन यानी अक्सर यही किया जाता है, दिस इज डन. ओके. Once again, I'll repeat the meaning. It is a waste of time and money to send the typescript of a novel to a publisher who publishes no fiction or no poetry to one who publishes no verse. यानी अगर हम किसी ऐसे publisher को जो poetry वगैरह fiction वगैरह नहीं publish करता है अपनी script भेजते हैं as a writer, तो वो time waste और money waste होता है उसके कंपैरिजन में, जो जब हम उसको भेजते हैं जो वर्स पब्लिश नहीं करता. अब वर्स पब्लिश, वर्स क्या होता है नहीं पता हमें. ठीक है, हम ये मान के चलते हैं. हालांकि लोग ऐसा ही करते हैं. Till here, I hope it is clear to all of you. Now, next line says, a preliminary. अब preliminary का मीनिंग आपको नहीं पता, बट कुछ कुछ आप ये तो समझते हैं कि ये प्री वर्ड है. प्री वर्ड का मीनिंग होता है पहले का.
तो ये कुछ पहले की बात हो रही है, मतलब किसी चीज के पहले हम करते हैं ना, प्री लंच और प्री एग्जाम लाइक दैट। ओके, तो प्रीलिमिनरी यानी पहले की बात है, किस चीज के पहले की वो हम देखते हैं। अ प्रीलिमिनरी लेटर इज अप्रिशिएटेड बाय मोस्ट पब्लिशर, ठीक है, यानी बहुत सारे पब्लिशर्स जो हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि आप उन्हें पहले लेटर भेजें। हम सिर्फ प्री से ही अंदाज लगा रहे हैं कि पहले लेटर भेजें, कौन सा लेटर भेजें अभी हम इस बारे में बात नहीं करें। एंड दिस शुड आउटलाइन व्हाट शुड दिस शुड यानी कि लेटर, ठीक है, लेटर की बात हो रही है। दिस शुड आउटलाइन द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट एंड इंक्वायर। अभी हम सिर्फ इस लाइन का मीनिंग करेंगे, यानी कि उस लेटर में जो भी आपने स्क्रिप्ट भेजी है उसका नेचर और वो किस तरह की है, मतलब किस बारे में है, ये एक आउटलाइन होनी चाहिए। तो अभी तक क्या मीनिंग निकला कि हर पब्लिशर चाहता है कि उसको एक पहले लेटर भेजा जाए जहां पर ये आउटलाइन किया जाए कि किस तरह की स्क्रिप्ट है, किस बारे में है, राइट। एंड इंक्वायर वेदर द पब्लिशर वुड बी प्रिपेयर टू रीड इट, और वो ये भी, उस स्क्रिप्ट का जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंक्वायर मतलब कि वो इंक्वायरी करे। तो वो जाके स्क्रिप्ट इंक्वायरी नहीं करेगी, यहाँ इस लिखने का मतलब ये हो रहा है इंक्वायर कि वो ये पता करने की कोशिश, उस स्क्रिप्ट सॉरी उस लेटर के थ्रू हम ये पता करने की कोशिश पब्लिशर जो है उसे रीड करेगा या नहीं करेगा, मतलब इस तरह की कुछ होनी चाहिए, होना चाहिए लेटर। ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसे भी पढ़ लेते हैं हम। आज थोड़ा टाइम लगेगा आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, तब आपकी टाइम जो है, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी और टाइम कम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाऊं और एक्सप्लेन करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश, तो मुझे कॉमेंट कर। राइटर्स हैव बीन नोन टू सेंड आउट सच लेटर्स, यानी राइटर्स हैव बीन नोन टू सेंड आउट सच लेटर्स, इस तरह के लेटर्स भेजे जाने के लिए राइटर्स जाने जाते हैं। ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी इन डुप्लीकेट फॉर्म, मतलब वो इस तरह के इंक्वायरी लेटर्स भेजते हैं डुप्लीकेट फॉर्म में भी। एन अप्रोच नॉट कैलकुलेटेड, एक ऐसी अप्रोच नॉट कैलकुलेटेड टू स्टिम्युलेट अ पब्लिशर्स इंटरेस्ट, एक्सक्यूज, एक ऐसी अप्रोच जो ये कैलकुलेट नहीं करती कि पब्लिशर का इंटरेस्ट है या नहीं है। स्टिमुलेट का मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है कि किसी के अंदर इंटरेस्ट जगाना, ठीक है, पर अगर मीनिंग नहीं भी पता है, आप 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और अगर आप सिंपली सेंटेंस पढ़ेंगे, एन अप्रोच नॉट कैलकुलेटेड टू स्टिमुलेट अ पब्लिशर्स इंटरेस्ट, यानी कोई ऐसी अप्रोच जो ये कैलकुलेट नहीं करती कि पब्लिशर का इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं भी पता तो आप ये तो समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एनकरेज मोटिवेट कुछ इस तरह का है, आगे पीछे का सेंटेंस पढ़ के इतना तो समझ सकते हैं आप। तो अभी आप इसको ऐसे ही अज्यूम कर लीजिए। इट इज डिजायरेबल टू एनक्लोज, अब यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज डिजायरेबल यानी डिजायर यानी जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारी चाह होती है, राइट, डिजायर। तो डिजायरेबल यानी कि कोई चीज जो मतलब ये चाहा जाता है, किसके द्वारा चाहा जाता है ये अभी यहाँ मेंशन नहीं। इट इज डिजायरेबल टू एनक्लोज, एनक्लोज का मतलब होता है जैसे हम मेल्स में अटैच करते हैं, लेटर्स में कोई चीज एनक्लोज करते हैं, मतलब आप सीवी के साथ जैसे आप फिजिकली सीवी देने जाते हो तो कवर लेटर भेजते हैं, ठीक है, तो एनक्लोज। इट इज डिजायरेबल टू एनक्लोज द कॉस्ट ऑफ रिटर्न पोस्टेज, अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पोस्टेज यानी पोस्ट ऑफिस से कुछ रिलेटेड, और कॉस्ट का मतलब क्या खर्चा जो भी आएगा वो, ठीक है, तो जो भी रिटर्न पोस्टेज यानी वापस आने की कॉस्ट, ठीक है। तो ये अच्छी बात होगी, ये चाहा जाता है कि जब आप व्हेन सबमिटिंग द टाइप स्क्रिप्ट, तो आप टाइप स्क्रिप्ट यानी कि स्क्रिप्ट सबमिट करें, तब आप वहां पर उसको रिटर्न करने की जो कॉस्ट होगी वो भी एनक्लोज करें, ठीक है, मतलब उसकी भी इंफॉर्मेशन दें कि वापस करने की क्या कॉस्ट होगी। एंड फाइनली इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट, और फिर आखिरी में ये बहुत समझने की जरूरत है कि हालांकि ऑल दो एवरी रीजनेबल केयर इज टेकन ऑफ द मटेरियल इन द पब्लिशर्स पोजिशन, सारी जितनी भी केयर की जाए, कितना भी ध्यान रखा जाए,
इस चीज का, उस मटेरियल का जो कि पब्लिशर के पोजीशन में है। पोजीशन आप लोग समझते हैं, पोजीशन जैसे हम फ्लैट का पोजीशन लेते हैं, जब कोई चीज हमारी हो जाती है या हमारे अधिकार में होती है, राइट, उस वक्त पोजीशन। तो अभी जो मटेरियल है, जो भी स्क्रिप्ट दी है, वो पब्लिशर के अधिकार में है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मस्ट बी अंडरस्टूड दैट ऑल्दो एवरी रीजनेबल केयर इज टेकन टेकन केयर सॉरी ऑल्दो एवरी रीजनेबल केयर इज टेकन ऑफ द मटेरियल इन द पब्लिशर्स पोजिशन। हालांकि कितनी भी केयर की जाए उस मटेरियल की, जो कि जब वो पब्लिशर के पोजिशन में होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फॉर एनी लॉस और डैमेज देयर टू। इस देयर टू का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इग्नोर। ओके, तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पब्लिशर एक्सेप्ट करे कि अगर उसमें कोई लॉस हो गया या डैमेज हो गया तो वो पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इस पूरे पैसेज में, जो फर्स्ट पैसेज है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी राइटर अपनी स्क्रिप्ट दे पब्लिशर, तो वो पहले तो पब्लिशर को अच्छे से समझ ले कि वो किस तरह की पब्लिशिंग करता है, ठीक है, बुक स्टोर में जाके या फिर जो भी उसने पब्लिश किया है उसको देखकर। और उसके साथ साथ जब वो अपना स्क्रिप्ट भेजते हैं तो उन्हें एक लेटर भेजना चाहिए जो ये दिखाए कि उनके स्क्रिप्ट किस बारे में है। साथ साथ उनको उसको वापस, जब अगर पब्लिशर को पसंद नहीं आया, उसने वापस किया, तो वापस की जो कॉस्ट है वो भी मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि अगर वो मिस हो गया तो पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ऑथर्स आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज नॉट टू पे द पब्लिकेशन ऑफ देयर वर्क। ऑथर्स को ये बहुत स्ट्रॉन्गली एडवाइज किया जाता है कि वो अपने पब्लिकेशन के लिए पे ना करें किसी। सिंपल सी लाइन है, इफ अ एमएस, अब ये एकदम से एमएस आएगा तो आपको कंफ्यूजन होगा शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो ये बहुत ऊपर लिखा हुआ है मैन्यूस्क्रिप्ट, वही है, ठीक है। अगर मैन्यूस्क्रिप्ट इज वर्थ पब्लिशिंग, यानी वो पब्लिश करने के लायक होगी, अगर अ रेप्यूटेटेड पब्लिशर विल अंडरटेक इट्स पब्लिकेशन एट हिज ओन एक्सपेंस। अंडरटेक का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दीजिए। एक रेप्यूटेटेड पब्लिशर जो है वो क्या करेगा, अपने खुद के खर्चे पे उसको पब्लिश करेगा, ठीक है। ये आप अगर नहीं भी होगा, इतना इतना अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अगर ऊपर क्यों अज्यूम कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पहले सेंटेंस में कहा गया है कि अगर राइटिंग जो है, जो भी उसने लिखा है, वो पब्लिश करने के लायक होगी और कोई रेप्यूटेटेड पब्लिशर होगा तो वो उसे पब्लिश करेगा अपने खुद की कॉस्ट पे। एक्सेप्ट, यानी एक्सेप्ट कब यूज करते हैं हम, जब किसी चीज को छोड़कर, है ना। एक्सेप्ट यानी आप कोई चीज, यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो ऐसा नहीं होगा, पब्लिश तो करेगा लेकिन क्या नहीं होगा, पॉसिबली फॉर वर्क्स ऑफ एकेडमिक, यानी जो भी एकेडमिक नेचर के वर्क है, एकेडमिक यानी स्कूल की पढ़ाई लिखाई वाले बुक्स कॉपीज, तो बुक्स बुक्स तो उन बुक्स को अगर पब्लिश करने की बारी आएगी तब वो पैसे लेंगे, वो फ्री में नहीं करेंगे। इन दिस कनेक्शन, इस पूरे पैरा के कनेक्शन में, अटेंशन इज कॉल्ड टू द पैराग्राफ्स ऑन, अटेंशन इज कॉल्ड टू द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में किस चीज पे अटेंशन दी जा रही है, ऑन सेल्फ पब्लिशिंग, खुद सेल्फ यानी खुद, यानी खुद पब्लिश करो, वैनिटी पब्लिशिंग जिसका हमें मीनिंग नहीं पता, छोड़ देते हैं हम, एट द एंड ऑफ द सेक्शन, मतलब आखिरी में ये कहा जा रहा है कि खुद पब्लिश। आई होप यहां तक आपको समझ आया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द व्यू ऑफ राइटर, नाउ रीड ऑप्शंस वेरी केयरफुली, इन द व्यू ऑफ राइटर द पब्लिशर विल स्टिक टू द लाइन ऑफ पब्लिकेशन। ऐसा कहीं लिखा है क्या कि पब्लिशर जो है वो सिर्फ जो पब्लिश करते हैं, जो जिस फील्ड में है, अगर वो मतलब अगर वो एकेडमिक्स की बात करें तो वो एकेडमिक का ही करेंगे, ऐसा तो कहीं, ये तो कहीं मेंशन नहीं पैसेज में, ये ऑप्शन कट। द पब्लिशर विल सॉरी द पब्लिशर हु डज नॉट पब्लिश द अदर बुक्स मे नॉट अंडरस्टैंड द इनग्रेडियंट्स एंड पैटर्न ऑफ पब्लिकेशन। तो कहीं भी ये लिखा था क्या कि पब्लिशर जो दूसरी बुक्स पब्लिश नहीं करते अलग तरह की, वो ये नहीं समझेंगे कि क्या पैटर्न है पब्लिकेशन का या उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है पैसेज। ओके, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, आई मीन दिस इज नॉट द आंसर।
पब्लिशर विल नॉट डिवोट टाइम टू एडिटिंग एंड रीडिंग द मटेरियल विच इज नॉट ऑफ इट्स लाइन ऑफ पब्लिकेशन. कहीं पर भी पैसेज में मटेरियल को एडिट करने या रीडिंग करने की ना बात हुई है ना इनडायरेक्टली ऐसा कुछ कहा गया, तो मतलब ये भी कट है. ठीक है. एनी पब्लिशर, कोई भी पब्लिशर, नॉट पब्लिशिंग द स्टफ ऑफ अदर टाइप, जो कि अदर टाइप के चीजें नहीं पब्लिश करते, विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विथ मैन्यूस्क्रिप्ट. ये क्यों सही है अगर आप ध्यान दें, यहाँ क्या क्या बताया गया था यहाँ पर. इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू सेंड टाइपस्क्रिप्ट फॉर नॉवल टाइपस्क्रिप्ट ऑफ अ नॉवल टू अ पब्लिशर हु पब्लिशेस नो फिक्शन और पोएट्री, वन हु पब्लिशेस नो वर्ड्स. यहाँ पे कहा गया था ये टाइम वेस्ट होगा अगर हम किसी ऐसे इंसान को भेजें जो पोएट्री या फिक्शन नहीं पब्लिश कर. ठीक है. तो ये देखिए यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि अगर हम किसी ऐसे पब्लिशर को भेजेंगे जो इस तरह की चीजें नहीं पब्लिश करता तो वो जस्टिस नहीं कर पाएगा स्क्रिप्ट के साथ. ठीक है. तो द फर्स्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज डी, ऑप्शन डी. नाउ वी विल गो टू द अनदर क्वेश्चन. ओके. एज पर पैसेज, अब पैसेज के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्टरी लेटर एज इट हेल्प्स इन पब्लिकेशन मस्ट बी इनवेरिएबल सेंट, इनवेरिएबली सेंट. ठीक है. इंट्रोडक्टरी लेटर मतलब शुरुआत में जो लेटर होता है इंट्रोडक्शन के लिए, कुछ कुछ ये वर्ड प्रीलिमिनरी और इंट्रोडक्टरी सेम सेम लग रहा है. मैंने आपको बताया था प्री है तो पहले वाला लेटर. ठीक है. और ये क्या कह रहे हैं कि वो पब्लिकेशन में हेल्प करता है इसलिए उसको भेजा जाना चाहिए. इनवेरिएबली मतलब हमें नहीं पता, स्किप करते हैं इस वर्ड. मस्ट का मतलब होता है भेजा जाना चाहिए, तो हाँ हम ये तो समझ रहे हैं कि भेजा जाना चाहिए. इनवेरिएबल नहीं पता तो जस्ट, तो ये पहला ऑप्शन ऐसा लग रहा है तो जस्ट कीप इट इन ऑप्शन, इसको हम ऑप्शन में रखते हैं. हो सकता है ये पहला आंसर हो. वेल बाकी क्या ऑप्शन चाहिए. द लेटर्स मस्ट हैव द कंटेंट इन डिटेल. लेटर्स में सारा कंटेंट डिटेल में होना चाहिए, यानी जो भी लिखा है वो सब डिटेल में होना चाहिए. टू मेक पब्लिशर रीड द सेम वाइल डिवोटिंग सफिशियंट टाइम. तो पब्लिशर ताकि उसको पढ़ सके पूरा टाइम देके. अब आप खुद कॉमन सेंस करो, अगर एक पब्लिशर है उसके पास अगर 10 राइटर्स की 10 बुक आएंगी तो क्या वो 10 बुक पूरी पढ़ेगा? पॉसिबल नहीं है, राइट? तो ऐसा कुछ तो प्रैक्टिकली सही नहीं है. ये पूरा कंटेंट यानी पूरे की पूरी स्क्रिप्ट हो लेटर में तो ये दिस इज नॉट द ऑप्शन. अ वेल वर्डेड एंड कॉन्साइज लेटर मस्ट बी सेंट विथ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इनेबल द पब्लिशर टू हैव ग्लिम्स ऑफ वेल वर्डेड. वेल वर्डेड वर्ड तो आपको पता है, वेल वर्डेड यानी ठीक से लिखा हुआ. कॉन्साइज लेटर, कॉन्साइज यानी कि बड़े क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ. चलिए अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा. ठीक है. कॉन्साइज यानी कि क्रिस्प तरीके से, अच्छे से, एक सार जिसमें हो. अ वेल वर्डेड और जो लेटर जिसमें कि पूरा समरी हो, समरी मतलब शॉर्ट में हो. लेटर मस्ट बी सेंट विद द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ ऐसा एक लेटर भेजा जाना चाहिए. To enable the publisher to have a glimpse of the manuscript, ताकि publisher को glimpse, glimpse याने एक झलक, है? तो झलक मिल पाए manuscript की कि क्या है, किस बारे में है. ये भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये option हो सकता है, right? तो हम इसे भी option रखते हैं. More than one copy of preliminary letter must be submitted. एक से ज्यादा copies submit करी जानी चाहिए. ये तो कहीं भी mention. तो यानी कि कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, फर्स्ट वाले में और सी वाले में. फर्स्ट वाला जो है वो मीनिंग तो सेम है पर उतना डिटेल में नहीं है. ठीक है. क्योंकि वहां सिर्फ ये लिखा गया है कि वो पब्लिकेशन में हेल्प करता है इंट्रोडक्टरी लेटर, तो उसको भेजा जाना चाहिए. जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक अच्छा इंट्रोडक्टरी लेटर भेजा जाना चाहिए जिससे पब्लिशर को आइडिया मिल सके कि मैं किस बारे में है. हमने यहाँ पर पढ़ा था अब preliminary letter is created by most publisher. This should outline in the nature and the extent of typescript and inquire whether publisher would prepare to read it. Hamara option C is the right answer. Now coming to question 3, according to writer ke anusar, paying for publication expenses will help in publication of manuscript. ठीक है.
अब राइटर, ये जो लिख रहा है वो वाला राइटर जिसने ये पैसेज लिखा है, उस राइटर के अकॉर्डिंग पब्लिकेशन का एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट के पब्लिकेशन की हेल्प में काम आएगा। मतलब अगर हम पब्लिश कराना चाहते हैं, खर्चे हम बियर कर ले तो हमारी स्क्रिप्ट पब्लिश हो जाए, ऐसा तो कहीं। अगर आप इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ऑथर्स आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज नॉट टू पे फॉर द पब्लिकेशन ऑफ वर्क। क्या लिखा था कि ऑथर्स से कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल ही अपने अपने पब्लिकेशन के लिए पे नहीं करें, अगर वो पब्लिकेशन के लायक होगा तो एक रेप्यूटेटेड पब्लिशर उसको पब्लिश करेगा, अनलेस कि वो ये ना हो, एकेडमिक नेचर का ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑल्दो द पब्लिशर वुड पे फॉर द रिटर्न एक्सपेंसेस, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था रिटर्न कॉस्ट वगैरह मेंशन करने का, मतलब अगर वापस करते हैं रिटर्न कॉस्ट, पोस्टेज कॉस्ट। ऑल्दो द पब्लिशर वुड पे फॉर द रिटर्न एक्सपेंसेस, रिटर्न एक्सपेंसेस हालांकि अगर पब्लिक पब्लिशर पे करता है, नो पब्लिकेशन एक्सपेंसेस विल बी बॉर्न बाय द पब्लिशर। ठीक है, पब्लिशर के द्वारा कोई भी पब्लिकेशन एक्सपेंस मतलब नहीं बियर किया जाएगा, मतलब उस चीज को वो खर्चा नहीं उठाएगा। ऐसा यहाँ लिखा है, पर ऐसा पैराग्राफ में कहाँ पर लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है। फिर भी अगर हम देखें तो हमें ये जरूर लिखा है कि ऑथर्स को मना किया गया है पे करने के लिए, तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसको कंसिडरेशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, रेप्यूटेटेड पब्लिशर वुड पब्लिश द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन इट्स ओन एक्सपेंसेस। अच्छा पब्लिशर जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट को पब्लिश करेगा खुद के, ये हमने लास्ट लाइन में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा। ठीक है, तो हम इसको रखते हैं। गुड पब्लिशर समटाइम्स डिफर द पब्लिकेशन अकॉर्डिंग टू, डिफर का मीनिंग आपको नहीं पता तो आप भूल जाइए इसको। आप ये समझिए कि अच्छा पब्लिशर हो सकता है कभी कभी पब्लिकेशन को डिमांड के अकॉर्डिंग डिफर कर दे। डिफर क्या कर दे, हम इसको छोड़ते हैं, हमें बस इतना बताए कि हाँ डिफर कर दे। इन दोनों ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं जो कि हमने कंसिडरेशन, सॉरी ये वाले कंसिडरेशन में रखे थे, तो सबसे ज्यादा सॉलिड तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या कहा गया है पैसेज में, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि तो क्लियरली लिखा हुआ है। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है फोर्थ में और थर्ड में, क्योंकि ये जो पैसेज में ये जो लाइन लिखी हुई है वो तो गलत नहीं हो सकती, पैसेज में ये लाइन लिखी हुई है दैट इज अ रेप्यूटेटेड पब्लिशर विल अंडरटेक इट्स पब्लिकेशन एट इट्स ओन, लिखा हुआ था, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम डिफर का मीनिंग समझे या सेकेंड वाले में जाकर कंफ्यूज। ठीक है, अब आती है बात सेंट्रल आइडिया के, पैसेज के सेंट्रल आइडिया सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। ठीक है, तो अब हम उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स व्हेन सेंट फॉर पब्लिकेशन, आप ध्यान दीजिएगा, मैं टाइम ले लेके पढ़ रही हूँ। ठीक है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप जल्दी से पढ़ोगे तो एक बार में कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको बहुत एक्टिवली एंगेज रहना पड़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टुकड़ों में पढ़िए, पार्ट्स में पढ़िए, एकदम से पूरा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा क्या था ये, कुछ समझ ही नहीं आया, और बस वहीं से आप नर्वस होना स्टार्ट करेंगे, फिर आपका ऑब्वियसली टाइम लिमिट का जो प्रेशर है वो भी नर्वस करेगा आपको, और जो नहीं बनने का प्रेशर है वो भी नर्वस। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए, इनिशियली थोड़ा सा कूल डाउन, काम डाउन होकर फोकस के साथ आपको पढ़ना है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स When sent for publication, यानी जब भी स्क्रिप्ट भेजी जाती है पब्लिश होने के लिए, must have preliminary letter in more than one copy with the cost of publication. यानी उसमें एक प्रीलिमिनरी लेटर होना चाहिए और उसकी एक से ज्यादा कॉपी होनी चाहिए विथ कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन की कॉस्ट भी होनी चाहिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वहां पे जो कॉस्ट मेंशन थी पैरा में वो पब्लिकेशन की नहीं थी, वो रिटर्न पोस्टेज की थी, तो ये तो कहीं मेंशन नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं लिखा था कि मोर देन वन कॉपी, डुप्लीकेटेड कॉपी लिखा, तो मतलब ये आइडिया नहीं है। ठीक है, पैसेज का मैन्यूस्क्रिप्ट मस्ट बी सबमिटेड टू रेप्यूटेटेड पब्लिशर, मैन्यूस्क्रिप्ट जो है रेप्यूटेटेड पब्लिशर को ही दी जानी चाहिए, हु पब्लिशेस द मटेरियल ऑफ दैट काइंड विथ अ ब्रीफ लेटर एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न एक्सपेंस, जो कि उसी तरह का मटेरियल पब्लिश करते हो एक लेटर के साथ और एक्सपेंस जो रिटर्न एक्सपेंस है उसकी कॉस्ट के साथ।
ठीक है, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, ऑप्शन में दिस कैन बी, ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन में रखते हैं. एक्सक्यूज मी, द मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर सबमिशन मस्ट बी पर्सनली डिस्कस विद द पब्लिशर, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है सबमिट करने से पहले पर्सनली यानी जाकर पब्लिशर से डिस्कस करनी चाहिए, अलॉन्ग विथ अ लेटर, एक लेटर के साथ जाना चाहिए, मेकिंग इट क्लियर विथ हिम, यानी उसके साथ ये बात क्लियर कर लेनी चाहिए, दैट ओनली अ पार्ट ऑफ पब्लिकेशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द राइटर, कि राइटर जो है वो पब्लिकेशन एक्सपेंस के ही बियर करेगा. सबसे पहली बात तो पर्सनली डिस्कस करने की कहीं बात ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, इसमें आगे पढ़ने का कुछ है ही नहीं. While submitting the manuscript for publication, जब publication के लिए manuscript submit करते हैं, all the details are to be made abundantly clear. Abundantly का meaning आपको नहीं पता, तो आप उसको छोड़ दीजिए. सारी details जो है वो clear होनी चाहिए, ये समझ लीजिए आप, ठीक है? With the publisher, publisher के साथ, in writing along with the share of expense. लिखित में शेयर ऑफ एक्सपेंस यानी कितना भाग किसका, कितना एक्सपेंस होगा, दोनों डिवाइड करेंगे आपस में. एनी रेप्यूटेटेड पब्लिशर कैन बी सिलेक्टेड हु मे पब्लिश द मैन्युस्क्रिप्ट, कोई भी रेप्यूटेटेड पब्लिशर जो है उसको सिलेक्ट है जो कर दे. पूरे पैराग्राफ में कहीं भी ऐसा कुछ था जहां पर यह लिखा हो कि शेयर होंगे एक्सपेंस आधे आधे होंगे, या नहीं था, राइट? कहीं भी ऐसा नहीं था, यानी कि यह ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो इसमें से मोस्ट सुटेबल आइडिया कौन सा हो रहा है पैसेज का, मैन्यूस्क्रिप्ट मस्ट बी सबमिटेड टू रेप्यूटेटेड पब्लिशर, जहां पर जो उसी तरह का मटेरियल पब्लिश करता हो, एक ब्रीफ लेटर के साथ और कॉस्ट ऑफ वन. अब मैं आपको बताती हूँ जो वर्ड्स मैंने आपको नहीं बताए, ओके, जिनके मीनिंग नहीं बताए. सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पता थे ना आपको इनके मीनिंग, फिर भी ये क्या इतना डिफिकल्ट था मीनिंग के बगैर सॉल्व करना? तो आसपास के जो सेंटेंस है उस किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या कह रहे हैं, उसको यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? मीनिंग अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता तो ये एक तरीका है. तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले तो क्वेश्चंस पे एक नजर मारनी है, क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए पैसेज पढ़ना है, पैसेज को आराम से पढ़ना है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना. अगर इंटरेस्ट डिवेलप नहीं हो रहा है तो लाइन उसको पार्ट्स में छोटे छोटे लाइंस में करके पढ़ना है, ताकि आप एकदम से पढ़ेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. अगर मैंने इतनी स्लोली आपको नहीं समझाया होता तो नहीं आता, ऑल्दो आपके पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा कि आप इतना स्लोली जाएं, बट इनिशियली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको ये करना पड़ेगा, ग्रेजुअली आपकी स्पीड बढ़ेगी. अब मैं आपको उन वर्ड्स के मीनिंग भी बता देती हूँ जो मैंने छोड़े थे, ठीक है? वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है, as you can see here, this is words. I circled it. Preliminary. Words का meaning होता है जो rhyming में line लिखी हो, ठीक है? बचपन में जैसे हम rhymings में पढ़ते हैं ना, early to bed, early to rise. Okay, I'm not able to recall. Sorry, मुझे याद नहीं आ रहा है, but हाँ, rhyming का word जिनमें sound same होते हैं, ठीक है? तो वो वाली जो rhyming में lines होती हैं, उसका मतलब होता है words. प्रीलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक लेटर. यहाँ पर वैनिटी पब्लिशिंग की बात हुई थी लास्ट में, जो मैंने आपसे कहा था छोड़ दीजिए. वैनिटी पब्लिशिंग का मतलब होता है ऑथर जब खुद बेयर करता है कॉस्ट पब्लिकेशन की, वो कहलाता है वैनिटी पब्लिशिंग. तो आई होप कि मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में. मुझे अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह के टॉपिक्स कवर करूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.